नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कौन सी खबर आ रही है। भाजपा विधायक के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, और इतना ही नहीं, नशे में डॉक्टर को शैतान कहा और पत्रकारों को भी अपशब्द कहे। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने डॉक्टरों को शैतान कहा है और पत्रकारों को दलाल कहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, इसके बावजूद भी ये शैतान बता रहे हैं डॉक्टरों को और पत्रकारों को दलाल बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का नशा चढ़ चुका है बीजेपी सांसदों के, विधायकों के सर पर। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर मरीज से मोलभाव करते हैं और वे शैतान बन चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपना गुस्सा पत्रकारों पर भी उतारा। आपको बता दें कि अब इस बयान को लेकर चारों ओर चर्चा हो रही है। यही नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा है और विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वेश्याएं सरकारी अधिकारियों से बेहतर होती हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि भगवान राम भी दुष्कर्म की घटनाएं नहीं रोक सकते। तो फिर से विवादित बयान के सम्राट जो कहे जा सकते हैं, यानी कि बलिया से भाजपा के विधायक, उनके सर पर नशा चढ़ गया है सत्ता का।